अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। हम जाने की तैयारी करते, आप मीटिंग के डिटेल्स दे दीजिए हमें। कीड़े यहाँ पे। धानी क्या कर रही हो तुम? सारे कीड़े कहाँ पे? क्या कर रही हो धानी? तुम जी अब काट लेंगे कीड़े। कहाँ है कीड़ा धानी, क्या हो गया है? प्लीज पाप पीछे हटिए, बहुत कीड़े। धानी 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 संभालो अपने आप को, कुछ नहीं कीजिए, प्लीज पीछे हट जाइए। क्यों कर रही है ये सब? ठीक हो सृष्टि, ज्यादा चोट तो नहीं लगी? धानी तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? धानी धानी रुको रुको, धानी क्या कर रही हो? धानी धानी संभालो अपने आप को। बेटा हम यहाँ पर कैसे हैं? हम तो वहां पर थे ना, यहाँ कैसे आके? वो क्या गया तुम्हें? अजीब सी हरकत काहे कर रही थी आप? इतनी जोर से आपने धक्का मार दिया अपनी बहना को, देख कितना खून आ रहा है। और अगर हम इस घाव को कभी ठीक होने ना दे दो? कुछ पूछ रहे धानी, क्या हो क्या गया तुम्हें एकदम से? दर्द हो रहा है हमें। धानी बच्चा, हमें ऐसा लगता है कि आप थोड़ा सा डिस्टर्ब हैं, आप रहने दीजिए, ध्रुव अकेला जाके मीटिंग अटेंड करके आ जाएगा। काशी हमको लगता है कि धानी के सिर में चोट लगी थी ना, ये उसी का असर है। हाँ सुनिए जी, हम तो कहते हैं किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा देते हैं हमारी धानी को। हाँ धानी, घबराओ मत, कुछ नहीं होगा। पापा अब हम ध्रुव जी के साथ मुंबई जाना चाहते हैं, उन्हें ऐसे अकेले नहीं जाने देना चाहते। धानी बेटा, ध्रुव अपना ख्याल खुद रख लेगा, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें आराम करने की जरूरत है, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें इलाज की जरूरत है बेटा, तुम रहने दो। रहने दीजिए रूपा जी, धानी बच्चा को अपने फैसले खुद लेने दीजिए, अगर वो जाना चाहती है कोई बात नहीं। अगर वहाँ पे
मुंबई में ऐसा कुछ हो गया तो वहाँ कौन देखेगा? नहीं नहीं है ना, अपनी मीटिंग में बिजी होगा तो फिर धानी को कौन संभालेगा? और धानी की तबीयत भी ठीक नहीं लग रही है। माँ बुआ जी, आपको चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, अब से हम अच्छे से ध्यान रखेंगे अपना, कुछ नहीं होगा हमें, हम बेहतर है, हम बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। हमें धानी बिटिया पे पूरा भरोसा है। थोड़ी देर में फ्लाइट है हमारी, सामान पैक कर लो तुम भी अपना। हनी, तुमने हमारी वो येलो शर्ट देखी है क्या? कुछ पूछ रहे हैं तुमसे कि हमारी येलो शर्ट कहाँ है? कि आप कहीं होगी? सीरियसली, इतनी लापरवाही कैसे दिखा सकती हो तुम? येलो शर्ट नहीं है हमारी अंदर, एक सामान हमारा ढंग से नहीं रख सकती हो। हमारा हेयर ब्रश का है धानी, हमारा हेयर ब्रश। क्या हुआ, क्या तुम्हें ठीक तो हो? अच्छा एक काम करो, तुम यहीं रुको, ठीक है? हम मुंबई जाकर आते हैं। कहीं नहीं जाने देंगे, हम चल रहे हैं आपके है। बस 10 मिनट में निकलते हैं, पहुंचते हैं आपके पास। थैंक यू। एक काम करते हैं, हम मीटिंग के लिए अभी निकलते हैं, शाम को वापस आते हैं तो घूमने निकलते हैं हम, ठीक है? अब मीटिंग यहीं पर कर लीजिए ना। धानी, बहुत बड़े क्लाइंट के साथ मीटिंग है, उसके ऑफिस में ही मीटिंग करनी पड़ेगी हमें। ठीक है, थैंक यू। एक सेकंड, कॉलर ठीक नहीं है। रुचि, हम आपके साथ चल सकते हैं क्या? क्या करोगी वहां पर? यहाँ पर अकेले बोर हो जाएंगे, आपके साथ बैठेंगे, थोड़ा काम भी सीख लेंगे, चलेगा? ठीक है, चलो। गुड इवनिंग मिस्टर चौधरी, ये है मिसेस धानी ध्रुव पांडे, हमारी धर्म पत्नी, हमारी बोर्ड की नई मेंबर है, इसीलिए आज की मीटिंग हमारे साथ अटेंड करेंगे।
आई एम सो सॉरी सो सॉरी सो सॉरी अब वो गलती से हो गया हम मदद कर देंगे आपके सॉरी बेटा सर आप चाय लेंगे या कॉफी नहीं चाय कॉफी कुछ नहीं ध्रुव जी आप पानी पी लीजिए थैंक यू इसकी कोई जरूरत नहीं है थैंक यू हानी जी क्या हो गया है आप ध्रुव जी को कुछ भी खाने की नहीं दे रही एक्चुअली ये सब चीजें खाते नहीं है सेहत के लिए ठीक नहीं है ना तो आपके साथ क्या हो गया ये पापा को फोन लगाते अरे आनी बच्चा कैसा है मेरा बच्चा पापा ध्रुव जी की तबीयत बिगड़ गई
हम उन्हें फार्म हाउस लेकर जा रहे हैं, आप कुछ कर सकते हैं क्या प्लीज? आप घबराइए मत, घबराइए मत, हम एक काम करते हैं, आप फार्म हाउस पहुंचिए, हम वहां डॉक्टर को भिजवाते हैं। थैंक यू। क्या हुआ जी? एक मिनट रूपा जी, एक मिनट, हम डॉक्टर को फोन लगा दें। किसके लिए डॉक्टर भिजवा रहे हैं? एकदम से ध्रुव बच्चा की तबीयत कैसे खराब हो गया? कुछ चल रहा है क्या हमारे घर में? ये बदबू किसकी है? बड़ी गंदी बदबू आ रही है अचानक से। कितनी गंदी बदबू आ रही है, कितनी तेज बदबू आ रही है। आपने रसोई में कुछ जलाया क्या? अरे हमने कुछ नहीं जलाया, हम खुद इस बदबू से पैगा कर यहाँ आए हैं। नाक सड़ गई हमारी। हा? क्या हो गया घर में? चूहा मर गया क्या है? ढूंढो जरा, देखो गंदी क्या है? बदबू आ रही है। अरे देखो आप इधर देखो, जीजी ये देखो, सृष्टि तो यहाँ ऐसे बैठी है जैसे इसे बदबू से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, और हम परेशान हो गए। सृष्टि तुम्हें बदबू नहीं आ रही है? हमारा तो दम घुट रहा है इस बदबू से। नहीं बुआ जी, वो हमें सर्दी हुई है ना, हमें किसी चीज की स्मेल नहीं आ रही है। तुम्हारी नाक बंद है लेकिन हमारी तो खुली है ना, जाओ जाकर देखो बदबू किसकी आ रही है, ढूंढो। रूपा जी ये घर में देखिए ना, कोई तार वार तो नहीं जली? इतनी बदबू कहाँ से आ रही है? अरे काशी पता नहीं किस चीज की बदबू, बर्दाश्त नहीं हो रही है हमसे अब। भैया थोड़ा गाड़ी तेज चलाइए ना प्लीज, प्लीज रूप जी कुछ तो कहिए, रूप जी भैया प्लीज गाड़ी तेज चलाइए प्लीज। पामाउस आ गया रूप जी, वहां तो कुछ नहीं है जी जी। डॉक्टर मिश्रा हमारे फार्म हाउस पे चले जाइए जल्दी से, जरा वो धानी बिटिया से बात हुई थी, ध्रुव बच्चों की तबीयत बहुत खराब है, जाके जरा चेकअप कीजिए ना, देखिए क्या तकलीफ क्या है बच्चों। राम 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 राम। कुत्ते क्यों भौंक रहे हैं? चलो चलकर देखते हैं जीजी। मोहन बा, ये कुत्ता इतना काहे ऐसे तो नहीं भौंकता रोज? मालूम नहीं भैया जी, बस थोड़ी देर और डॉक्टर साहब आ रहे हैं। क्या हो रहा है आपको? क्या हो रहा है? क्या हुआ इन्हें? उनका शरीर ऐसे अकड़ क्यों रहा है? हमें नहीं पता डॉक्टर, प्लीज जल्दी चेक कीजिए। शरीर दर्द के मारे पटा जा रहा है। जल्दी कुछ
माफ कीजिए रूप जी, कुछ नहीं, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मैंने नीम की दवाई दे रहा हूँ, डबल डोज है, ताकि इन्हें जल्दी से आराम मिल सके। उसके बाद मैं इनका अच्छी तरीके से चेकअप कर सकूंगा। ऐसे कैसे हो सकता है? इतना स्ट्रॉन्ग डोज देने के बाद भी इन पे कोई असर ही नहीं हुआ? अपने करियर में पहली बार ऐसा देखा है।